कहानी की शुरुआत में एक औरत को रनिंग करते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम अनीता है और वो अपनी लाइफ में बहुत अकेली है। वैसे तो अनीता एक रिच बिजनेसमैन की वाइफ है पर वो अपने हस्बैंड से खुश नहीं है क्योंकि उसका हस्बैंड हमेशा काम में बिजी रहता है, इसलिए वो अनीता को टाइम नहीं दे पाता। अनीता एक जिम्नास्टिक टीचर है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। वो अपने स्टूडेंट से मिलकर उनका नाम और उनसे जुड़ी कोई खास बात बताने के लिए कहती है, जिस पर एक ने कहा कि वो योगा करने में परफेक्ट है तो दूसरे ने कहा कि वो प्याज काटने में। इन्हीं में से एक लड़का जिसका नाम मार्कस होता है वो कहता है कि उसका हथियार बहुत बड़ा है। इस पर अनीता और सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं जिससे मार्कस समझ जाता है कि ये टीचर एक शाय किस्म की औरत है, इसलिए वो उसे उससे जुड़ी कोई मजेदार बात बताने के लिए कहता है, जिस पर अनीता के पास कोई जवाब नहीं होता जिससे ये पता चलता है कि अनीता की जिंदगी से मस्ती गायब है। अगले दिन अनीता के हस्बैंड का बर्थडे होता है जहां हमें ये मालूम होता है कि अनीता अपने हस्बैंड की दूसरी वाइफ है और पहली वाइफ से उसके हस्बैंड को दो बेटियां हैं जो आज उससे बर्थडे विश करने के लिए आई हैं। यहां अनीता बहुत खुश है क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ इस महीने बुडापेस्ट घूमने के लिए जा रही है जो हंगरी का एक खूबसूरत शहर है और वो ये बात अपनी स्टेप डॉटर्स को बताती है। तभी उसका हस्बैंड उससे कहता है कि उसने बुडापेस्ट टूर कैंसिल करके 6 महीने बाद की डेट दे दी है ताकि अनीता अपनी जॉब में अच्छे से सेट हो सके। ये सुनकर अनीता का मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि एक तो उसका हस्बैंड उसे वक्त नहीं दे रहा था और ऊपर से उसने टूर को भी कैंसिल कर दिया जहां ये दोनों साथ में वक्त बिताने वाले थे। अनीता सोचती है कि उसने एक इस ठंडे अंगारे से शादी कर ली है जो ना तो कुछ करता है और ना ही नजदीक आता है। सुबह जब वो रनिंग कर रही होती है तो एक हल्की सी आवाज से उसे महसूस होता है कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है और जब वो नहा रही होती है तो कोई उसके दरवाजे पर बुके रख के चला जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि तुम बहुत हॉट हो। ये पढ़ के अनीता को अच्छा लगता है क्योंकि कई दिन बाद किसी ने उसकी तारीफ में कुछ शब्द बोले होते हैं। स्कूल में जब सॉकर प्रैक्टिस चल रही होती है तो मार्कस के परफॉर्मेंस को देखकर अनीता कैजुअली उससे कहती है कि तुम बहुत अच्छा खेलते हो, जिस पर मार्कस भी जाते समय उससे कहता है कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, जिससे अनीता को लगा कि वो मार्कस ही है जिसने उसे सुबह रनिंग करते वक्त स्टॉक किया और वो मार्कस ही है जिसने उसके घर बुके भेजा। अब उसका ध्यान मार्कस की तरफ बढ़ने लगता है और वो उसे छुप छुप के देख रही होती है। थोड़ी देर बाद वो और उसकी कुलीग एक लड़के को मार्कस के हाथों पिटते हुए देखते हैं जिसे उसकी कुलीग उन दोनों को रोककर अनीता से ये कहती है कि वो मार्कस को यहाँ से लेकर जाए। मार्कस अनीता से कहता है कि उस लड़के ने उसकी शर्ट में बर्फ डाल दी जबकि वो उस लड़के को जानता तक नहीं, जिस पर अनीता उसे शांत करती है। वो मार्कस के वॉन्ड्स को चेक करने लगती है जिसे मार्कस को एक फैमिलियर से महसूस होता है। यहाँ अनीता उसे बताती है कि उसे भी कई साल पहले जंप करते वक्त नेक पर चोट लगने की वजह से स्क्रूज फिट किए गए, जिसे देखने के लिए मार्कस उसे छूने लगता है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी किसी को आते देख मार्कस वहां से चला जाता है पर अनीता अभी भी उसी मोमेंट को फील कर रही होती है। अब अनीता का मार्कस से बात करने का मन कर रहा होता है इसलिए वो मार्कस की इंस्टा प्रोफाइल ढूंढ कर उसे मैसेज करती है और उसे कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ वो उसे भूल जाए, जिस पर मार्कस उसे अपने हथियार की फोटो भेज देता है और वो उसे गौर से देखने लगती है। फिर वो अपना माइंड चेंज कर लेती है क्योंकि वो एक शादीशुदा औरत है। रात को जब वो सो रही होती है तो उसका हस्बैंड उससे कहता है कि कोई दरवाजे पर बुके रखे गया है, जिस पर अनीता समझ जाती है कि वो मार्कस ही होगा। अब जैसा कि मार्कस ने उस लड़के को बुरी तरह मारा था इसलिए उस लड़के के पेरेंट्स ने मार्कस के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी होती है, इससे मार्कस शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। पर जैसा कि मार्कस एक सॉकर प्लेयर बनना चाहता है और उसे मैच खेलने के लिए बर्लिन जाना है इसलिए वो अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आता है ताकि वो अनीता के थ्रू प्रिंसिपल को कन्विंस कर सके। यहाँ हमें पता चलता है कि मार्कस की मॉम अनीता की क्लासमेट है और ये एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मार्कस अपनी हरकत के लिए अनीता से माफी मांगता है पर अनीता कहती है कि वो इस मामले में हेल्पलेस है क्योंकि ये प्रिंसिपल का ओन डिसीजन है। यहाँ मार्कस अपनी बात मनवाने के लिए अनीता को टेबल के नीचे से सेड्यूस कर रहा होता है पर अनीता यहाँ पर नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो उठ खड़ती है जिससे उसके पेरेंट्स समझ जाते हैं कि उन्हें इसके लिए प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करनी है। मार्कस के सिडक्शन का आइडिया फेल्ड हो चुका है इसलिए वो अब सीधे अनीता को कार में मिलता है और उसे किस कर लेता है जिससे अनीता भी खुद को रोक नहीं पाती और ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट हो जाती हैं। अब अनीता को उसकी लोनलीनेस खत्म करने के लिए एक साथी मिल चुका है और वो मार्कस को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड हो जाती है कि वो उसको खड़े खड़े लेटे लेटे हर जगह इमेजिन करने लगती है और उसे मिलने के लिए रेस्टलेस होने लगती है, इसलिए वो उसको कुछ मैसेज करती है। रिप्ले में मार्कस ये कहता है कि वो सॉकर प्रैक्टिस में बिजी है, जिस पर अनीता उसका इंस्टा प्रोफाइल चेक करती है जिससे उसे ये मालूम होता है कि वो अपनी एक फ्रेंड मीना के साथ है। ये देखकर अनीता थोड़ी इनसिक्योर हो जाती है। अगले दिन मार्कस की मॉम जो अनीता की पुरानी फ्रेंड है वो अपनी कुछ फ्रेंड से मिलाने के लिए अनीता को अपने घर पर बुलाती है, जहाँ ये सब एक दूसरे से अलग अलग टॉपिक्स पर बात कर रहे होते हैं वहीं अनीता का ख्याल सिर्फ मार्कस पर होता है और वो उसे इधर उधर ढूंढ रही होती है। तभी मार्कस वहाँ आ जाता है। मार्कस अनीता से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, इस पर मार्कस की मॉम उससे कहती है कि अनीता को मैंने बुलाया है। इसके बाद मार्कस फ्रेश होने के लिए चला जाता है और थोड़ी देर बाद अनीता भी वॉशरूम का बहाना करके उसे ढूंढने के लिए जाती है और उसके साथ वॉशरूम में इंटीमेट होकर वापस आ जाती है। यहाँ से मार्कस को लेकर अनीता का ऑब्सेशन इस कदर बढ़ चुका है कि वो हर वक्त उसको मैसेज करने लगती है और उसे इंस्टा पर स्टॉक करने लगती है।
इससे एक दिन उसके हस्बैंड को उस पर शक हो जाता है। अगले दिन अनीता जब अटेंडेंस ले रही होती है तो उसे मीना से पता चलता है कि मार्कस की हेल्थ ठीक नहीं है और वो स्कूल नहीं आया, जिससे अनीता परेशान होकर उसको मैसेजेस करके उसकी हेल्थ कंडीशन पूछती है, जिस पर मार्कस की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, जिससे अनीता का मूड ऑफ हो जाता है और उसका किसी काम में मन नहीं लगता। बुडापेस्ट को ना सिर्फ ये दोनों बल्कि इनके कुछ बिजनेस पार्टनर्स भी उनके स्पाउसेस के साथ जा रहे होते हैं, इसलिए जाने से पहले वो सब एक जगह गैदर होने का प्लान बनाते हैं और अनीता का हस्बैंड उसे एक गोल्ड चेन गिफ्ट करके ये पूछता है कि वो आजकल किसको इतने मैसेज कर रही है, जिस पर अनीता उसे बताती है कि उसकी कोलीग एलिजाबेथ का किसी स्टूडेंट के साथ मसला चल रहा है और मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। इसके बाद जब ये सब गैदर होते हैं तो अनीता का ध्यान सिर्फ मार्कस की तरफ होता है और वो रेस्टलेस होकर वॉशरूम का बहाना करके सीधे मार्कस के घर जाती है, जहाँ मार्कस की माँ उसे देख कर शॉक रह जाती है। अनीता उसे मार्कस की हेल्थ कंडीशन पूछती है, जिस पर वो बताती है कि मार्कस को कुछ नहीं हुआ है और वो सॉकर प्रैक्टिस करने के लिए गया है। ये सुनकर वो उससे मिलने के लिए प्ले ग्राउंड जाती है, पर वो वहाँ भी नहीं होता, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए उस ठिकाने तक पहुँच जाती है जहाँ वो अक्सर जाया करता है। फाइनली वो उससे मिलकर ये कहती है कि वो उसे प्यार करने लगी है, जिस पर मार्कस भी उससे कहता है कि वो धीरे धीरे उसे जानने लगा है। दरअसल अनीता उसे दूर से देखकर बस ये इमेजिन कर रही होती है। असल में जब वो उससे मिलकर ये पूछती है कि वो क्यों उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा हो, तो मार्कस उससे कहता है कि वो बिजी था। अनीता उससे मीना के बारे में पूछती है, जिस पर मार्कस उसे बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर अनीता का चेहरा जैसे बर्फ की तरह जम जाता है। ऊपर से मार्कस उससे पूछता है कि मेरे बर्लिन जाने के लिए तुमने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की कि नहीं। इससे अनीता को यह समझ आ जाता है कि मार्कस उसको लेकर इतना सीरियस नहीं है, जबकि वो मार्कस को लेकर ख्वाब सजा रही थी। इसके बाद वो अपने हस्बैंड के पास वापस आ जाती है, जहां वो सब एक प्ले देख रहे होते हैं। मार्कस के साथ इंटीमेट होना तो जैसे अनीता के लिए एक इमेजिनेशन की तरह बन गया था, इसलिए वो वहां भी इसको इमेजिन करके आंसू बहा रही होती है। वो मार्कस और मीना को साथ देखकर अकेले में बहुत रोती है, क्योंकि वो मार्कस ही था जिसने उसकी बोरिंग सी जिंदगी में एक मस्ती की लहर भर दी थी, और अब वो लहर मीना नाम के एक साहिल से टकराकर टूट चुकी है। अब वो मीना को अपने रास्ते से हटाना चाहती है, इसलिए वो सबको वार्म अप करने में बिजी रख के मीना का मोबाइल लेकर उसकी सेमी न्यूड फोटोज उसी की फेसबुक आईडी से पोस्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद मीना रोती हुई उससे मिलकर ये बताती है कि किसी ने उसकी सेमी न्यूड फोटोज फेसबुक पर पोस्ट कर दिया है, जिस पर अनीता उसे मार्कस का नाम सजेस्ट करती है और वो उसे समझाती है कि मार्कस उसके लिए ठीक नहीं है और वो मार्कस से भी अच्छा बॉयफ्रेंड डिजर्व करती है। इसके बाद अनीता मार्कस की मॉम से मिलकर ये कहती है कि वो मार्कस को मीना से दूर रखे, क्योंकि मीना अच्छी लड़की नहीं है और उसने अपने कुछ सेमी न्यूड पिक्चर्स फेसबुक पर पोस्ट कर दिए हैं। जिस पर मार्कस की मॉम उससे कहती है कि कल रात मीना और मार्कस के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें मार्कस ने मीना को मना लिया। ये सुनकर अनीता की इनसिक्योरिटी और बढ़ जाती है और वो शाम को मार्कस के घर के बाहर से चुपके से उन्हें देखती है, जहां मार्कस और मीना बहुत खुश हैं। अब अनीता का ये प्लान भी फेल हो चुका है, जिससे अनीता को बहुत गुस्सा आता है और वो एक आखिरी चाल चलती है, जिसमें वो मार्कस से कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर मार्कस डेस्परेट हो जाता है। अनीता को लगा कि उसकी ये चाल काम कर गई है, इसलिए वो जबरदस्ती मार्कस से कार में इंटीमेट होने लगती है और मार्कस ना चाहते हुए भी उसके साथ देता है। वो मार्कस से कहती है कि तुम परेशान मत होना, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी और हम इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। ये सुनकर मार्कस अपने बच्चे की अल्ट्रासाउंड की हुई फोटो लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ से अनीता बहुत खुश रहती है, क्योंकि उसने मार्कस को मीना से जीत लिया है। इसके बावजूद मार्कस उसके मैसेज का जवाब नहीं देता, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ने लगती है। शाम को जब वो घर के लिए निकलती है तो उसकी कार पर किसी ने गाली लिखती होती है, और सुबह रनिंग के बाद जब वो घर पहुंचती है तो उसे अल्ट्रासाउंड की हुई फोटो मिलती है, जिस पर वो समझ जाती है कि मार्कस ने उसके हस्बैंड को सब कुछ बता दिया, इसलिए वो घबराकर वहां से जाने लगती है। तभी दरवाजे पर उसे मार्कस की मॉम मिलकर ये कहती है कि उसने वो सारे मैसेजेस देख लिए हैं जो अनीता ने मार्कस को किए थे। वो अनीता से ये कहती है कि अगली बार उसने मार्कस को छुआ तो वो उसकी जान ले लेगी। अनीता अपने हस्बैंड और अपनी फ्रेंड से नजरे ना मिला पाते हुए वहां से सीधे होटल पहुंचकर एक रूम बुक करके बहुत रोती है और पूरा दिन अकेले बिताती है। सुबह जब वो घर पहुंचती है तो उसे घर में एंट्री नहीं मिलती और उसके हस्बैंड ने कार पार्किंग की जगह उसका एक बैग छोड़ा, जिसे लेकर वो जाने लगती है। स्कूल में भी ये बात फैल चुकी होती है, जिससे उसको जॉब से निकाल दिया जाता है और वो जाने से पहले उसके सारे स्टूडेंट्स के सामने अपनी ये गलती एडमिट करती है। वो कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए बिल्कुल गैर जरूरी था, पर मैंने कर दिया और इसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। तभी वो बाहर उसके हस्बैंड की कार देखकर उसकी तरफ दौड़ती है। उसका हस्बैंड मार्कस को छोड़कर बिना अनीता से बात किए वहाँ से चला जाता है। अब अनीता और मार्कस दोनों आमने सामने होते हैं। यहाँ मार्कस कहता है कि मुझे यह अंदाजा भी नहीं था कि स्कूल में हर कोई हमारे बारे में इतनी बातें करेगा, और ये भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा हस्बैंड ये बात जानकर तुम्हें छोड़ देगा, पर वो एक अच्छा आदमी है और तुम एक नए आदमी से शादी करके बच्चे पैदा कर सकती हो। ऑल द बेस्ट। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और अनीता एक जगह बैठकर ये सोचने लगती है कि ये किस तरह उसने एक लड़के के चक्कर में अपनी फैमिली, अपनी इज्जत और अपनी जॉब गंवा दी, और इसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है।
तो गाइस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।